हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन ऑफ परसेंटेज। आज हम लोग परसेंटेज शुरू करने वाले हैं। चलते हैं आज के सेशन की ओर। जो लोग मेरे बारे में और पूरे डीआर स्टडी पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके ये कंटेंट को पढ़ लें, ताकि आप चैलेंजिंग सीरीज और फुल क्राइटेरिया चैलेंजिंग सीरीज का जान सकें। चलिए परसेंटेज शुरू करता है, एकदम बेसिक से शुरू करूँगा मैं परसेंटेज, ठीक है। उन लोगों के लिए भी है ये परसेंटेज जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, और उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने पढ़ रखा है, और कुछ कुछ नई चीज़ें मैं यहाँ पे सिखाऊंगा जो आपको अभी तक किसी भी बुक में या किसी ने नहीं बताई होंगी, ठीक है। तो पूरे परसेंटेज को बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट किया है, आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि एक सक्सेसिव पे ही हम लोग को काम करना है। तो ये पहला पार्ट है हम लोगों का, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग सवाल मतलब क्वेश्चंस ज़्यादा करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्टरी जो थंबनेल सक्सेसिव का है, और कुछ सवाल जो है हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेज को एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंट जो है लैटिन वर्ड जो है परसेंटम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पर हंड्रेड, ठीक है। परसेंट का मतलब ही होता है, सेंट का मतलब होता है आपका वन बाई हंड्रेड, ठीक है। और पर लगा हुआ यानी वन अपॉन हंड्रेड इज रिप्रेजेंटेड एज अबाउट परसेंटेज। इसी को हम लोग सिंपली यहां से बोल सकते हैं 1%, ठीक है। सिंपली ये चीज हमें ध्यान में रखना है कि जब भी परसेंटेज रहेगा वो 1/100 जिस भी टर्म में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1%। अब चाहे ये हमारा रहे इस तरीके से 9/100, ठीक है, तो 9/100 को हम लोग क्या बोलेंगे, 9% बोलेंगे, ठीक है। सिंपली यही समझना हमें परसेंटेज के लिए, कि परसेंट का मतलब होता है समथिंग रिप्रेजेंटेड एज 1/100 इज नोन एज परसेंटेज, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोगों का क्या है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, ठीक है। जस्ट देखो यहाँ पे सीधा सीधी हमारा क्या है कि अगर 20% मुझे दिए हुए हैं, ठीक है, क्या दिए हुए हैं, 20%। अभी मैंने बताया कि परसेंटेज इज इक्वेलेंट टू व्हाट, 1/100, ठीक है। तो जस्ट मुझे ये 20% को क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब परसेंटेज वहाँ से हटा देना है। तो जब परसेंटेज हटाऊंगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को जब मैं काट दूंगा यहाँ से 20 से 5 बार में, तो 20% की फ्रैक्शन निकल के आ जाती है 1/5, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, कि जैसे मान लो यहाँ पे कि अगर हम लोग ले रखा है कि 30% है, ठीक है। तो 30% के लिए क्या होगा, 30 और गुने में क्या, 1/100, ठीक है। मतलब परसेंटेज हटाने का मतलब क्या है, 1/100, ठीक है। परसेंटेज लाने का मतलब क्या होगा, 1/100, ठीक है। हटाना है तो वहाँ पे 1/100 से गुना करेंगे, और लाना है तो 1/100 वहाँ से गैप कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि ये हमें क्या देगा, 3/10, ठीक है। ये तो बात हो गई परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की, ठीक है। लेकिन जस्ट अगर हमको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो देखो इन चीज़ों को हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमको फ्रैक्शन समझना होगा, फ्रैक्शन होता क्या है, उसके बाद फिर हम उसके चीज़ों को समझेंगे। अगर ये एक सर्कल आप लोग को दिख रहा है जिसमें 3 पार्ट जो है हमारा ब्लैक से कलर्ड है, ठीक है, और 1 पार्ट जो है वो ग्रे से कलर्ड है, अगर इसी में मैं आपसे पूछूं कि ये शेडेड पार्ट मुझे आप बता दो, ठीक है, क्या बता दो, ये शेडेड पार्ट। देखो यहाँ पे ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, और ये चौथा पार्ट है, ठीक है। अगर शेडेड पार्ट पूछो तो आपको दिख रहा है ये टोटल 3 पार्ट शेडेड है, आउट ऑफ कितने, 4, यानी शेडेड पार्ट आप तुरंत बोल दोगे क्या हो जाएगा सर, 3/4, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं से आपसे पूछ दूं अनशेडेड पार्ट, ठीक है, क्या पूछ दिया मैंने, अनशेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ पे एक ही अनशेडेड पार्ट है, और आउट ऑफ कितना, टोटल 1/4। एक चीज कॉमन देखो यहाँ पे कि दोनों का ही डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, 4 और 4 है, ठीक है, दोनों का ही डिनोमिनेटर क्या है, 4 और 4, और यहाँ पे 4 जो है इसी फिगर में, 4 जो है किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, होल पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, 4 पार्ट जो है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, होल पार्ट को। यानी एक चीज हम लोगों ने यहां से समझा है कि डिनोमिनेटर जो होता है वो हमारा क्या होता है, होल पार्ट आप बोल लो, ठीक है, या फिर आप इसे ओरिजिनल वैल्यू बोल लो, क्या बोल लो, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। यानी डिनोमिनेटर इज ऑलवेज क्या होता है हमारा, या तो होल पार्ट बोल लो या ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जो टोटल है वो हम लोग का क्या होता है, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा शेडेड, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका आप लोग क्या करते हो, जवाब देते हो, जवाब देने का मतलब क्या हो गया, रिजल्ट। मैंने आपसे पूछा शेडेड, शेडेड कितने थे, 1, 2 और 3, और ये 3 देखो यहाँ पे शेडेड में मिल रहा है, यानी कि ये हमारा क्या कहला जाता है, रिजल्ट कहला जाता है, ठीक है। मतलब जो मैंने आपसे सवाल में पूछा ये हमारा किस चीज में आ जाता है, रिजल्ट में आ जाता है, ठीक है। सेम एज यहाँ पे अनशेडेड में देखो, अनशेडेड हमारा एक ही है, ये हमारा जो मैंने पूछा था आपसे, पूछा क्या था, अनशेडेड, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हो गया, ठीक है। यानी कि आउट ऑफ 4 एक ही हमारा क्या है, अनशेडेड पार्ट है, ठीक है,
यानी कि ये चीज सीधा सीधे आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि 25% है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/4, यानी 4 किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, हमारा ओरिजिनल वैल्यू को, ठीक है। 4 किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, हमारा ओरिजिनल वैल्यू को, ठीक है। और ये हमारा क्या रिजल्ट बता रहा है हमें, ये इसका रिजल्ट बता रहा है, ये किस चीज़ को बता रहा है, हमारा रिजल्ट को बता रहा है, ठीक है। यानी कि आप जब करोगे, ओरिजिनल वैल्यू 4 है, तो 4 का जब आप 25% निकालोगे, तो 4 का 25% आपको क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। ये इस तरीके से फंक्शन करना है, यानी कि डिनोमिनेटर वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, हमारी ओरिजिनल होती है, और ऊपर वाली हमारी क्या होती है, रिजल्टेंट होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे हम लोगों को इसी पे काम करना है, ये थ्योरी यूज करके हमें काम करना है, ठीक है। कुछ फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास यहाँ पे है 3/4, ठीक है। इसे मैं बोलूँ आपको चेंज करो भैया परसेंटेज में, ठीक है। तो लिटरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे सिंबल लगा देते हैं चीज़ों को। देखो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि ये क्यों अपने मन से 100 और यहाँ पे परसेंटेज कर देते हैं, ठीक है। 4 से यहाँ पे 25 बार में कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 75%, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर 3/4 है, इसका हो क्यों रहा है, ठीक है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, गुना 100 बाय 100, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन को, ठीक है। यानी कि 3/4 इंटू 100 रहने देंगे और फिर इंटू 1/100 कर देंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 1/100 को हम लोग कैसे बोलते हैं, परसेंटेज के रूप में। यही आगे जाके आपको देता है 3/4 इंटू 100 और यहाँ से क्या, परसेंटेज, ठीक है। और यही जाके यहाँ पे हमारा हो जाता है कितना, 75%, जो मैंने अभी पहले ही निकाल के रखा था, ठीक है। तो चीज़ों को समझना, और ये फ्रैक्शंस जो है ना, इसे याद करने की कोशिश कभी मत करना, ठीक है। इन चीज़ों को ना सीधा सीधी तुम बस प्रैक्टिस करना, सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। और कहीं पे भी कुछ नहीं है, मैं अभी एक एक करके खुद ब खुद आपको निकाल के दिखाता हूँ। जैसे देखो टोटल अभी एक है हमारा, अगर फ्रैक्शन एक है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है। एक की वैल्यू क्या होती है, 100%। उसी तरीके से दो की वैल्यू क्या होती है, 200% हो जाएगी। पांच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500% हो जाएगी, ठीक है। जब हम लोग 1/2 करेंगे, तो सेम वही प्रोसीजर, 1/2 इंटू क्या, 100, और यहाँ से क्या लगा देंगे, परसेंटेज लगा देंगे, यानी 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, 50%। उसी तरीके से 1/3 के लिए करेंगे, तो 33% देगा। इसी को कभी कभी हम लोग को मिला हुआ होता है 33.33%, ठीक है। यही हम लोग को क्या मिला हुआ होता है कभी कभी, 33.33%, ठीक है। 1/4 हमारा होता है 25%, 1/5 होता है हमारा 20%, ठीक है। अब आते हैं 1/6 में, 1/6 हमारा होता है 16/2/3%, ठीक है। अब 1/6 सपोज डेट कभी कभी हम लोग भूल जाएं कि 1/6 क्या होता है, तो 1/2 तो आसानी से याद होगा हमारा 50%। 1/2 में देखो, अगर हम लोग 1/3 से गुना कर देते हैं, किससे गुना कर रहे हैं, 1/3 से, तो 1/2 में जब हम लोग 1/3 से गुना करेंगे, तो ये तो हमें 1/6 दे देगा। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 50 होती है। अब 50 में भी हम लोग क्या करेंगे, 1/3 से गुना कर देंगे। 50/3 का मतलब भी होता है 16/2/3%, ठीक है। यानी अगर हम भूल जा रहे हैं कभी कभी 1/6 के वैल्यू, तो हमें इस तरीके से याद रखना है। इसी यही हमें कभी कभी इस रूप में भी मिलेगा, 16.66% भी मिलता है, कहीं पे 16.67% भी मिलता है, ठीक है। ये चीज़ों में कभी अंतर नहीं समझना है, ठीक है। सारी चीज़ों की फ्रैक्शनल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1/6 होगी। कहीं कहीं पे कोई क्वेश्चन में 16.66 मिलेगा, कोई क्वेश्चन में 16.6 है। एक्जैक्टली अगर सही देखा जाए तो 16.67 है, लेकिन लोग कभी कभी 16.66% भी दे देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से 1/7 की वैल्यू होती है 14/2/7%, और यही कभी कभी हम लोग को मिलता है 14.28% के रूप में, ठीक है। 1/8 का मतलब 12/2%, यही हम लोग कभी कभी इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे, 12.5%, ठीक है। 12.5% और 1/8 में, 1/8 देखो कैसे हम ला सकते हैं, 1/4 से आ सकते हैं। 1/4 में अगर 1/2 कर देंगे हम लोग, 1/4 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1/8 हो जाएगा। उसी तरीके से 25 में भी हम लोग को 1/2 से मल्टीप्लाई, 25/2 का मतलब ही होता है क्या, 12/1/2%, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमारा 1/8 का भी वैल्यू निकल जाएगा। मतलब चीज़ों को ना एक दूसरे से रिलेट करके निकालना है, ठीक है। उसी तरीके से 1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9 का फ्रैक्शन होता है 11/1/9%, ठीक है। अब आगे देखो, 1/10 तो सबसे ईजिएस्ट है, 10%, 1/11, 9/1/11। ये सब चीज़ें जो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इन लोग इन चीज़ों को या तो हमें याद रखना होगा, या फिर हमें इन चीज़ों को सीधा सीधी क्या करना होगा, समझना होगा, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पे आगे हमारा क्या है,
1 by 12 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 होल 1 by 3%। अब देखो 1 by 12 है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लो कि 1 by 9 जो है, 1 by 12 से पहले मैं यहाँ 1 by 9 के लिए क्लियर कर दूँ, 1 by 9 जो 11 होल 1 by 9% है, यही कभी कभी हमें मिलेगा 11.11% के रूप में, ठीक है। और फिर यहाँ से हमारा 1 by 11 जो है, ये हमें कभी कभी मिलेगा 9.09% के रूप में, ठीक है। अब आगे देखो 1 by 12 हमें आना है, 1 by 12 हम लोग दो तरीके से आ सकते हैं, एक 1 by 3 में 1 by 4 करके, तो 1 by 3 में देख रहे हो यहाँ 33 होल 1 by 3% है, इसका जब 1 by 4 करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो क्यों ना 1 by 4 का 1 by 3 करके देखते हैं, तो 1 by 4 का 1 by 3 करेंगे तो ये हमें दे देगा 1 by 12, ठीक है। तो 1 by 4 का मान कितना होता है 25, इसका भी 1 by 3 कर दो, 25 का 1 by 3 करोगे तो यही हमें देगा 8 होल 1 by 3%, ठीक है। यही कभी कभी तुम्हें मिलेगा 8.33% के रूप में, ठीक है, 8.33% के रूप में। 1 by 13 हमें याद रखना होगा, 7 होल 9 by 13 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 1 by 14 की, ठीक है। 1 by 14 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले ये समझो कि अगर कोई फ्रैक्शन 14 होल 2 by 7 है, ठीक है, तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 14 प्लस में कितना 2 by 7, ठीक है। जब 14 प्लस में 2 by 7 अभी परसेंटेज में था, तो ये भी हम लोग परसेंट में लगा दिए, किसकी वैल्यू है हमारी 1 by 7 की, हमें आना कहाँ है 1 by 14 पे, तो यानी क्या करना होगा 1 by 2 से गुना होगा, तो इधर भी हम लोग 1 by 2 से गुना करेंगे और इधर भी हम लोग किससे गुना करेंगे 1 by 2 से, तो 1 by 7 × 1 by 2 जब करेंगे तो इधर तो हमें 1 by 14 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी बारी 1 by 2 इससे भी गुना होगा, तो 14 × 1 by 2 करेंगे तो ये हमें देगा 7, 2 by 7 × 1 by 2 करेंगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी प्लस में कितना 1 by 7, यानी 1 by 14 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी आ गई 7 होल 1 by 7%, और यही हमारा है 1 by 14 का परसेंटेज 7 होल 1 by 7%, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब चीज़ों को ध्यान से समझना कि अब जैसे आप लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से किया, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, 1 by 2 को 1 by 7, देखो 1 by 2 की वैल्यू हमें मालूम है इजिली कितना 50, जस्ट कितना आसान हो जाएगा देखो, अगर इस डायरेक्शन में हम लोग करते हैं 1 by 2 को 1 by 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ तो जाएगा मेरा 1 by 14, ऐसे भी 1 by 2 की वैल्यू होती है 50%, ठीक है, इंटू 1 by 7 बराबर में 1 by 14, ठीक है। 7 से अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, साफ साफ दिख रहा है 7 होल कितना 1 by 7%, ईजिली निकल गया हमारा। तो चीज़ों को समझो, एक दूसरे से रिलेट करना है बस, और कुछ नहीं, पूरे परसेंटेज में ना बस रिलेट कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या है अगला वैल्यू 1 by 15, 1 by 15 यानी क्या 6 होल 2 by 3, 1 by 15 के लिए हम लोग आ कहाँ से सकते हैं, या तो 1 by 3 में 1 by 5 मल्टीप्लाई करके आएंगे, फिर 33 होल, 1 by 5 में करके देखो, 1 by 5 में आसानी से हो जाएगा, 1 by 5 × 1 by 3 करेंगे तो ये हमें 1 by 15 दे देगा, 1 by 5 की वैल्यू है 20%, इसको 1 by 3 कर दो जस्ट, 1 by 3 का मतलब क्या हो गया 6 होल 2 by 3%, ठीक है। और यही चीज़ें हमें क्या देगी 6 होल 6 7%। तो एक चीज़ ध्यान में रखो, जहाँ जहाँ पे भी ये 2 by 3 मिल जाए ना, उसकी 2 by 3 की वैल्यू होती है 0.67, ठीक है, और बाकी उसके पहले जो लगा दो, यानी कि यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन है 1 by 3 है तो इसकी वैल्यू होती है 0.33, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपका यहाँ पे अगर 2 by 3 है तो 2 by 3 की वैल्यू होती है 0.67, ये सब चीज़ें आपको ना याद रखनी होंगी, ठीक है। अगर 2 by 7 है तो 2 by 7 की वैल्यू होती है 0.28, ठीक है, 2 by 7 की वैल्यू कितनी होती है 0.28, इसी तरीके से आपको ये सब चीज़ें ना याद रखनी होंगी, ठीक है। और जहाँ तक आपको दिख रहा है सब जगह 1 by 3 2 by 3 मोस्ट ऑफ द केसेस में यही आपको मिलेगा, बाकी जो है उसको तो आपको करना ही होगा, ठीक है, उसका कोई उपाय नहीं। उसी तरीके से 1 by 16 में चलते हैं, 1 by 16 आसानी से आपको दिख रहा है दो तरीके से, एक बार 1 by 8 का आधा कर दो, एक बार 1 by 4 का 1 by 4 कर दो, आसान देखो यहाँ पे 1 by 4 का 1 by 4 करना, 25 by 4 को ही हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पे 6 होल 1 by 4%, और यही हमारा आंसर है 1 by 16 के लिए, ठीक है। 1 by 17 का 5 होल 15 by 17%, 1 by 18 में आते हैं, 1 by 18 आप देखो दो तरीके से, 1 by 9 का 1 by 2 निकाल दो, या 1 by 2 का 1 by 9 निकाल दो, तो आसान हमें दिख रहा है 1 by 2 का 1 by 9 निकालना आसान है, ठीक है। तो 1 by 2 में जब आएंगे तो 1 by 2 हमारा होता है 50%, और इसका 1 by 9 निकाल दो बराबर में कितना 1/18, ठीक है, यही हमें देगा 5 होल 5 by 9%, ठीक है। उसी तरीके से 1 by 19 में आ जाओ, 5 होल 5 by 19%, और 1 by 25%, ठीक है। चीज़ों को ध्यान से समझो कि ये चीज़ें ना आप अगर याद करने के लिए बैठोगे तो याद तो हो जाएंगी, लेकिन इसे आपको यूज़ करना होगा, और अगर सवाल को आसान बनाना है तो इससे ज़्यादा कोई आसान चीज़ें नहीं है, ठीक है।
आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो एक बेसिक सा चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर बोल रहा है कि ए 20% से इंक्रीज करता है, क्या बोल रहा है, ए जो है 20% से इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ए जब 20% से इंक्रीज करता है तो इसका मतलब क्या है हमारा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या रखा है, ए इंक्रीज करने का मतलब क्या है, ए तो वही का वही रहेगा, ए में और उसका 20% वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 20% जब ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, एकदम पूरा फंडामेंटल मोड पे चला, 100 यहाँ से 100 ए प्लस में 20 ए, ठीक है, बराबर में ये हमें क्या देगा, 120 ए बाय में कितना 100, ठीक है। अब इसी चीज़ों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए इंटू में कितना 120 बाय 100। तो हमें एक चीज़ पता चल गया कि ए को जब 20% से बढ़ाना होता है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, उसमें 100 ऐड करके लिख देते हैं। तो ए को जब अगर 25% से बढ़ाना होगा हमारा, 25% से, ए रो अप का मतलब होता है 25%, 25% से जब बढ़ाना होगा तो ए को 25% बढ़ाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए गुने में 125 बटे में क्या 100, ठीक है। सेम एज डिक्रीज में भी हम लोग वही चीज़ करेंगे, डिक्रीज में क्या करेंगे, 20-25% से गिराना है तो ए तो अपने आप में रहेगा, उसी का 25% वो क्या होगा, गिर जाएगा। तो 25% जब गिर जाएगा यानी 25 बटे में 100, ठीक है। यानी यही हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस में 25, ठीक है, ए भी लगा देना है यहाँ पे, और बटे में क्या 100, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे 75 ए बाई में 100। देखो ये 75 कैसे है, 100 में 25 घटा के, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में अगर मैं आपको बोलूँ ए को 30% से डिक्रीज करना है, डाउन एरो मतलब क्या, डिक्रीज करना है, तो अगली बार हम लोग क्या लिखेंगे, ए का 70 बटे 100, ठीक है। यानी डिक्रीज होकर जो वैल्यू देगी वो क्या देगी, ए का 70 बटे में क्या 100, ठीक है। चलो अब ना थोड़ा सा हम लोग ना कुछ फ्रैक्शंस पे काम करना सीखते हैं, ठीक है। देखो फ्रैक्शंस पे काम कैसे किया जाता है, जैसे अभी मैंने बोला था 1/3 की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 33 होल 1/3%, ठीक है। तो 1/3 जब 33 होल 1/3% होता है तो मुझे क्या निकालना है, 2/3। 2/3 का मतलब क्या, इधर जब मैंने 2 से गुना किया तो इधर भी मुझे क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। 33 होल 1/3 को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, 33 प्लस में क्या 1/3, ठीक है, और यहाँ पे क्या परसेंटेज। अब इसे हम लोग 2 से गुना करेंगे, ठीक है। इसे जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 33 × 2 आपको साफ साफ दिख रहा है 66 होता है, और प्लस में यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2/3%। ध्यान रखना ये 2/3 जो है, नंबरेटर जो है हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा। अगर बड़ा है तो उसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर 7/4 है हमारा तो इसको, ये गलत है, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 1 होल 3/4, ठीक है। इसको हमें इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ 66 होल 2/3 है, अब यहाँ पे क्या लगा देना है, परसेंटेज, और इसी को फिर ऐड करके लिख देना है 66 होल कितना 2/3%, यानी 2/3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 66 होल 2/3%, और यही हमें देता है 66.67%, ठीक है। अब आगे देखो, आगे एक और एग्जांपल की ओर चलते हैं। अगर मान लो मैं 1/12 लेता हूँ, 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, 8 होल 1/3%, ठीक है। 8 होल 1/3% जब हमारा है तो यहाँ से अगर मैं आपको बोल दूँ 3/12 या 4/12 निकालने के लिए बोल दूँ, ठीक है, 4/12, ठीक है। तो 4/12 आप साफ साफ बोलोगे सर यहाँ से ये कट जाएगा, 1/3 की वैल्यू तो हो जाएगी 33 होल 1/3%, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं इसी केस में अगर हमारा यहाँ पे 5/12 निकालने के लिए हमारा हो जाए, ठीक है, तो 5/12 कैसे निकालेंगे, 8 होल 1/3 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। किसे गुना कर देंगे, 5 से। जब 5 से गुना करेंगे तो इधर तो हमारा क्या हो जाएगा, 40, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5/3। देखो मैंने बोला था कि ये डायरेक्ट नहीं जुटेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 40 प्लस में 1 होल 2/3, ठीक है, 40 प्लस में क्या लिखेंगे, 1 होल 2/3, और यही हमारा ऐड करके हमें क्या देगा, 41 होल 2/3%, यानी 5/12 की वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है 41 होल 2/3%, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल की ओर चलते हैं। जैसे मान लो हमारा 7/12 दिए हुए है, ठीक है, 7/12 का मतलब क्या है, 7 × 1/12, ठीक है। 1/12 की वैल्यू हमें मालूम है क्या होती है, 8 होल 1/3, यानी इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, 8 प्लस में कितना 1/3%, ठीक है। तो 7 × 8 करूंगा तो यहाँ से हमें 56 मिल जाएगा, और प्लस में हमारा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 7/3। फिर देखो नंबरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या लिखेंगे, 56 प्लस में 2 होल 1/3, ठीक है।
यानी कि अब जब ऐड करेंगे तो 56 में 2 ऐड होगा, यानी क्या हो जाएगा 58 होल 1/3%। अब देखो अगली बार से ना इन चीज़ों को ऐसा नहीं करना है, 7 गुने में 1/12 है, ठीक है, बराबर में क्या था 8 होल 1/3%, ठीक है। अब यहाँ 7 को जब 8 से गुना किया तो हम लोगों को क्या मिला, 56 मिल गया, ठीक है। अब 7 को जब 1/3 से गुना किया तो ये हमें दिया 7/3। 7/3 को हम लोग जान रहे हैं, 7/3 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 होल 1/3, यानी ये 2 जो है इसमें जाके क्या होगा, ऐड हो जाएगा और फाइनली हमें आंसर क्या देगा, 58 और 1/3 तो अकेले है यानी 1/3%, ये हमारा डायरेक्ट। अगली बार से हमें इस तरीके से डायरेक्ट करना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो दूसरे मेथड से, अगर 11/12% देता है तो देखो 11/12% जो है ना इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग चेंज कभी नहीं करेंगे कि यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1-1/12, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 की वैल्यू अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही बताई थी, 1 की वैल्यू क्या होती है 100%। 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, 8 होल 1/3%, ठीक है। जब भी इस तरीके का गुना माइनस में आए आपको, हमें क्या करना होता है, 100% में 8 होल 1/3 को जब घटाना होता है तो हम लोग 8 को 1 बढ़ा के लेते हैं, ठीक है। 8 को जब 1 बढ़ा के लिए यानी क्या हो गया 9, 100 में 9 चला जाएगा यानी कितना हो जाएगा हमारा 91। और यहाँ से डायरेक्टली हम लोग को क्या करना है, 3 में 1 घटा देना है, 3 में 1 घटा देना यानी क्या हो जाएगा 2/3%, यानी यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 111/12 की जो वैल्यू होती है, 11/12 की जो वैल्यू होती है वो 11/12 की वैल्यू होती है 91 होल 2/3%, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो घटाने वाला तरीका है इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझना कि ये हो क्यों रही हैं। क्या है हम लोगों का कि मान लो ये एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 100 माइनस में 8 होल 1/3% था, ठीक है, इसे थोड़ा सा एलोबोरेट कर देते हैं। 100 माइनस में 8 माइनस में 1/3 से लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, अपने मन से यहाँ पे +1 और -1 ऐड कर देते हैं, ठीक है, हमें क्या करना है, अपने मन से +1 और -1 ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -8, यहाँ पे -1, यहाँ से क्या आ गया 100 माइनस में क्या 9, मैंने बोला था ना 8 को 1 बढ़ा दो 9 घट हो जाएगा, 100 में 9 घटा दो आ गया 9 की बारी। अब यहाँ से देखो बचा रहा है क्या हमारे पास, +1 -1/3, ठीक है। एक चीज़ समझो, जब भी 1 में हमें ये घटाना होता है इसे हम लोग क्या करते हैं, 3-1/2, ठीक है, यानी कि याद रहेगा हमें 2/3। एक चीज़ यहाँ पे सीधा सीधी समझ लो कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले कि 1 में किसी चीज़ को घटाना, जैसे 1 माइनस हम लोग लिख दें 7/12, ठीक है, तो इसे आप क्या लिखोगे, 12-7/12, लिटरली आप घटा तो 12 को 7 से ही रहे हो, ठीक है, यानी कि आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो 5/12, यानी 1 में घटाना है तो डायरेक्ट यहाँ पे घटा के लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग हर बार यही चीज़ कर रहे थे, तो 100 में क्या किया हम लोगों ने, 9 को घटाया, तो 100 में 9 को घटाया यानी कितना मिल गया हमें 91, ठीक है। 1 में 1/3 को जब घटाया तो यहाँ पे हमको मिल गया क्या 2/3। अब यही चीज़ को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 91 होल 2/3। देखो हम लोगों ने किया क्या, ये माइनस में था इसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, प्लस में, किस प्रोसेस से, +1 ऐड करके, ठीक है। तो बस यही चीज़ है हमारा कि जब इन चीज़ों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा 91 होल 2/3% इस तरीके से दे देगा। और इसको रेंडमली हम लोग डायरेक्ट एक बार में घटाएंगे कि 8 है तो 1 बढ़ा के हम लोगों ने लिख दिया 9, 100 में 9 चला गया यानी कितना 91, और 3 में 1 चला गया यानी कितना 2, यानी कि 91 होल 2/3%, ठीक है। चलो देखो हम लोग ना अभी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज समझने जा रहे हैं, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान से समझना, ठीक है। यही चीज़ जो है हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में भी आसान बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस के जब वीडियो डालूंगा तो बस परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज पे पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म कर दूंगा, एक ही फॉर्मूला से याद करवाऊंगा, वो है एम पी और सी पी का रेशियो निकालने का, ठीक है। देखो यहाँ पे समझना ध्यान से क्या बोल रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालने के लिए जब बोल रहा है तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होता है क्या, जैसे मान लो मेरे पास कोई वैल्यू है, अभी हम कमा रहे हैं 250 रुपये डेली, ठीक है, और अभी हम फिर से मेरा इंक्रीज़ हो गया 325 रुपये हो गए, ठीक है, मतलब मैं पहले मेरा कमाने का एक दिन का था 250 रुपये, अब वो इंक्रीज़ होके हो जा रहा है 325 रुपये हो जा रहा है, ठीक है। तो मुझे पूछेगा कितने का इंक्रीज़ हुआ, अगर अमाउंट में पूछे मुझे तो साफ साफ मुझे दिख रहा है 75 रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ, लेकिन अगर हमसे यही चीज़ पूछ दे कि कितने परसेंट का इंक्रीज़ हुआ तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए बोलता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी, ध्यान से शब्दों को समझना, चेंज इन क्या, क्वांटिटी, ठीक है, बटे में क्या, ओरिजिनल क्वांटिटी, बटे में क्या, ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है।
और गुने 100 और यहाँ पे क्या लगा देना है, परसेंटेज लगा देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि हमारा चेंज जो हो रहा है वो कितने का चेंज हो रहा है, 75 का चेंज हो रहा है, यानी कि 75 बटे में क्या हो जाएगा हमारा 250 हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल हमारा कितना 250 ही है, गुने में क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। बस इसी चीज़ को सॉल्व करना है, 0 से 0 काट दो, 25 से ये कट जाएगा तीन बार में, यानी कि हमारा क्या हो जा रहा है 30% का इंक्रीज हो रहा है, और या अब बोल दो 75 रुपये का इंक्रीज हो रहा है। अगर यही वैल्यू हमारा डिक्रीज में जाएगा तो वहाँ पे हम लोगों को क्या रखना है, डिक्रीज लेना हो जाएगा, वो क्लियर है। जैसे जहाँ पे मान लो 250 है हमारा, ठीक है, और मैं बोल दूँ कि मेरा 250 से 150 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा 100 का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी माइनस हमारा क्या हो रहा है 100। तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, तो यहाँ पे क्लियर है कि परसेंटेज डिक्रीज ही पूछेगा, परसेंटेज डिक्रीज है, मैंने क्या बताया अभी, चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितने का बदलाव आया, तो 100 रुपये का बदलाव आया, यानी कि 100 बटे में क्या ओरिजिनल, ओरिजिनल हमारा कितना है 250 ही है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 250 गुने में कितना 100, ठीक है। अब यहाँ से 0 0 काट दो, 25 से ये कट जाएगा चार बार में, यानी कि क्या हो रहा है हमारा 40% का जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ों को भी ध्यान में रखना, ये चीज़ें जो है ना परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज़्यादा काम देंगी, कि प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, सीपी और एमपी का, एमपी और सीपी का रेशियो कैसे निकलता है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज पे सारी चीज़ें जो है खत्म हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो जो मेन चीज है ना वो हम लोगों का शुरू हो रहा है, वो क्या है हम लोगों का सक्सेसिव, ठीक है। सक्सेसिव में हम लोग का क्या, हम लोग यहां पे ध्यान देंगे कि अगर हम लोगों को बोल रहा है प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है एक्सपेंडिचर, तीन चार चीजें मैंने ली हैं ऐसी, जितनी भी जगह ये चीजें मिलेंगी आपको इस टाइप की चीजें, कहां पे सक्सेसिव लगता है ये जानना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट हो, ठीक है, क्या हो, फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट, ठीक है, और इसमें कुछ इंक्रीज या डिक्रीज, एरो अप का मतलब इंक्रीज, एरो डाउन का मतलब डिक्रीज, ठीक है, एंड पहले पार्ट में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो, सेकेंड पार्ट में भी कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो, और इस दोनों का इफेक्ट किस पे आके गिरे, ये इक्वल टू के इधर, ये हो हमारा इफेक्ट, ठीक है। तो जब भी इफेक्ट इस तरफ गिरेगा वहां पे हम लोग का क्या लगेगा, सक्सेसिव लगेगा, मतलब फर्स्ट पार्ट इनटू सेकेंड पार्ट, इसमें कुछ इंक्रीज या डिक्रीज, इसमें भी कुछ इंक्रीज या डिक्रीज, और इफेक्ट इस तरफ आके लगेगा तो हमारा क्या गिरेगा, तो क्या होगा हमारा वहां पे सक्सेसिव लगेगा। अब सक्सेसिव जो है ना तीन तरीके से लगाया जा सकता है। सबसे पहले सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस में वाई, और इन्हीं दोनों के साइन के अकॉर्डिंग अगला साइन होगा, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, ठीक है, यहाँ पे भी आ गया प्लस, और यहाँ पे क्या एक्स वाई अपॉन में 100, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स है प्लस में, वाई है हमारा माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई बटे में क्या 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से समझना कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का गुना का इफेक्ट कहाँ डालना है, हमें थर्ड पार्ट पे डालना है, ठीक है। जब थर्ड पार्ट पे हम लोगों ने इफेक्ट को डाला तो यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, सक्सेसिव लग रहा है। अब इस पे एक और चीज़ें हो सकती हैं कि आपका फर्स्ट पार्ट पे कुछ इंक्रीज करूँ, ठीक है, और सेकेंड पार्ट पे कुछ डिक्रीज कर दूँ, तो इफेक्ट हमारा जो इक्वल टू में इफेक्ट हो जाएगा वो इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इफेक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब इफेक्ट इक्वल टू जीरो करना हो तो ऑब्वियसली पहले में मुझे कुछ अगर इंक्रीज मैंने किया है तो दूसरे मुझे डिक्रीज करना होगा तभी ये इफेक्ट जीरो होगा। अगर पहले पार्ट में मैंने डिक्रीज किया है तो दूसरे पार्ट में मुझे क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, ठीक है, और इफेक्ट हमें क्या करना है, जीरो करना है, ठीक है। ये चीज को भी ध्यान में रखना कि फर्स्ट पार्ट में अगर इंक्रीज कर रखा है हम लोगों ने और सेकंड पार्ट में डिक्रीज होगा तो यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, कि इफेक्ट अगर जीरो करना है तो पहला में इंक्रीज और दूसरा में क्या, डिक्रीज, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों का ट्रिपल फ्रैक्शन भी लगता है, जैसे मान लो ये तो दो चीज़ें हैं, ठीक है, अब बोल रहे कोई ए बी और सी है और यहाँ पे ये फोर्थ पार्ट एक ठो दे रहा है, ठीक है, अब इन तीनों में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है और चौथे पार्ट पे हमें इफेक्ट देना है तो इसमें भी कर सकते हैं, चाहे जितनी भी चीज़ें हों हमारा वो काम हर जगह करेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो चीज़ों का सक्सेसिव निकाल लेंगे, ठीक है, इन दो चीज़ों का जब सक्सेसिव निकालेंगे तो और उसका इफेक्ट किससे डाल देंगे, इसको तीसरे के साथ मिला देंगे, तो ये सभी चीज़ें का इफेक्ट जो है
है यहाँ पे जाके हमारा गिर जाएगा। मतलब पहले सक्सेसिव जब भी लगेगा वो दो चीज़ों का लगेगा साथ में, पहले दो चीज़ों का सक्सेसिव साथ में लगा देना है, जितनी वैल्यू आएगी उसके उसको तीसरे वाले के साथ मिला देना है, तो चौथी पार्ट का हमारा क्या हो जाएगा, सक्सेसिव निकल जाएगा। जनरली ये चीज़ जो है हम लोग को वॉल्यूम में यूज़ करना होता है, वॉल्यूम बराबर होता है ना लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो एल बी एच का जब रहेगा, मैंने सवाल भी ले रखा है इस वीडियो में, एल बी एच का जब रहेगा चर्चा, तो वहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी में बात करते हैं हम लोग फ्रैक्शनल सक्सेसिव का, ठीक है। तो फ्रैक्शनल सक्सेसिव क्या होता है कि जैसे अभी मैंने बोला ना x प्लस में y प्लस में ये हमारा, ठीक है, प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100, ये सारी चीज़ें एक्स वाई में हैं क्या। सबसे पहले देखो, अगर मैं बोलूँ कि इसी को ले लेता हूँ, प्राइस इंटू क्वान्टिटी इज इक्वल टू क्या है हमारा एक्सपेंडिचर। प्राइस मैंने बोल दिया 10% से इनक्रीज़ किया, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया क्वान्टिटी जो है 20% से इनक्रीज़ की, ठीक है, तो 20% से इंक्रीज है तो हमने बताओ एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 10 अभी बोला आपने बताया सर, पहला पार्ट गुना में दूसरा पार्ट, इफेक्ट देना है तीसरा पार्ट पे, तो हम लोग सक्सेसिव लगा सकते हैं। 10 प्लस में 20 प्लस में क्या 20 गुने 10 बटे में क्या 100, ठीक है। इसी को जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से 20 10 30 हो गया, और यहाँ से क्या हो गया 32, यानी कि ये हमें दे दिया 32%, ठीक है। ये 32% का क्या हो रहा है, अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, इंक्रीज, यानी कि एक्सपेंडिचर में जो है वो 32% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर इन चीज़ों को मैं परसेंटेज के रूप में ना लेके फ्रैक्शन के रूप में लेना चाहूँ, ठीक है, तो चीज़ों को ध्यान से समझो कि जब हमें इसे फ्रैक्शन के रूप में लेना होता है तो ये परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज, ये सब भी परसेंटेज। ये 1/100 जो है ये एक एक्सेप्शनल पार्ट है, जिसको 1/100 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1%। 1/100 को क्या बोलते हैं हम लोग, 1%। और ये 1% वगैरह चीज़ों को हम लोग को क्या करना होता है, इग्नोर। तो चीज़ों को जब हम लोग फ्रैक्शन के रूप में सक्सेसिव लगाना होता है, तो फ्रैक्शन के रूप में हम लोग सक्सेसिव कैसे लगाते हैं, जैसे मान लो कोई एक्स परसेंट है हमारा, एक्स परसेंट का फ्रैक्शन होता है हमारा n1 बटे में क्या d1, नंबरेटर 1 और डिनोमिनेटर 1, ठीक है। y परसेंट है हमारा, y परसेंट का फ्रैक्शन होता है हमारा n2 बटे में क्या d2। अब इन पे हमको अगर सक्सेसिव लगाना है तो इन पे हम सक्सेसिव कैसे लगाते हैं, n1 इंटू बटे में d1, ठीक है। अगर प्लस में है तो प्लस, कोई बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, माइनस है तो माइनस, ठीक है, प्लस में n2 बटे में d2, ठीक है। और इन्हीं जस्ट जैसे सक्सेसिव का साइन होता है ना, वैसे इसका भी साइन, जस्ट इन्हीं दोनों का जो साइन है वो यहाँ पे अगला आएगा प्लस में, और यहाँ पे क्या जस्ट जाएगा n1 बटे में d1 इंटू में क्या n2 बटे में d2। मतलब सब चीज़ को फ्रैक्शन पे ले लेना, 100 को हर जगह से ख़त्म कर देना है, ठीक है। अगर यही सवाल में हम बोल दें कि ये इंक्रीज में रहे और ये डिक्रीज में रहे, ठीक है, तो इसी सवाल को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर n इंक्रीज में प्लस में क्या बोलेंगे n1 बटे में क्या d1, माइनस में क्या बोलेंगे n2 बटे में क्या d2, ठीक है। और यही प्लस माइनस क्या कर देंगे n1 बटे में d1 इंटू में क्या n2 बटे में क्या d2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शनल सक्सेसिव, जो अभी तक का सबसे बहुत आसान कर देगा ये हर एक सवाल को, जिसमें बहुत सारे डेसिमल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये उन चीज़ों को आसान कर देगा, ठीक है। यही है फ्रैक्शनल सक्सेसिव, ठीक है, फ्रैक्शन पे सक्सेसिव को काम कराना। अब देखो यही सवाल को 32% आया ना, इसी सवाल को हम लोग फ्रैक्शन से करते हैं। 10% है, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, ठीक है, चलो लगा दो यहाँ पे 1/10 प्लस में क्या 1/5, ठीक है, और दोनों ही प्लस में है, यानी कि क्या हो जाएगा आगे भी प्लस में 1/10 इंटू क्या 1/5, ठीक है। अब यहाँ से जब इसे 1/10 और 1/5 को हम लोगों ने सॉल्व किया तो यहाँ पे इसे 2 कर दो, ऊपर में भी 2, यानी कि ये हमें दे देगा 3/10, ठीक है, और प्लस में यहाँ से हमें मिल गया 1/ कितना 50, ठीक है। अब इसी को जब आप आगे सॉल्व करोगे तो आगे देखो सॉल्व करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इसी चीज़ का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम जब लेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, 10 से 5 बार में यानी 15, और इधर से 1 यहाँ से, ठीक है, यानी 16/50 आ गया। अब ये जो रिजल्टेंट आया है 16/50 जो है, ये आया हमारा फ्रैक्शन में, इसी को जब हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे क्या करेंगे, 100 से गुना करके परसेंटेज लगा देंगे, 50 से जब इसे काटा दो बार में, 16 × 2 कितना दे दिया 32%, यानी कि यही हमारा फ्रैक्शन में आ गया। अगर यही सवाल को जब हम लोग परसेंटेज से कर रहे हैं तो भी 32% आ रहा है, फ्रैक्शन से कर रहे हैं तब भी 32% आ रहा है। तो चीज़ों को ध्यान से समझना, जब हम लोग का बड़ा बड़ा फ्रैक्शन परसेंटेज रहेगा ना इस तरीके से 14.28%, 22.22%, तो हम लोग ना बड़ा बका जाते हैं कि इन चीज़ों को कैसे करेंगे, स्किप कर देते हैं या बहुत लॉन्ग मेथड में चले जाते हैं। इन चीज़ों को हम लोग ये फ्रैक्शनल सक्सेसिव से ना आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग, और एक चीज़ जान लो कि मैंने कुछ चार चीज़ें यहाँ पर लिख रखी थी, प्राइस इंटू क्वान्टिटी इज इक्वल टू क्या एक्सपेंडिचर,
यानी कि प्राइस में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो, क्वांटिटी में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो, इफेक्ट कहाँ गिरेगा? एक्सपेंडिचर पे। लेंथ में आता है ना सवाल, लेंथ इतना से बढ़ा दिया, ब्रेथ इतना से बढ़ा दिया, बताओ एरिया में क्या चेंज आया, वहाँ पे भी सक्सेसिव लगेगा। रेट, आप जिस रेट से काम कर रहे हो, जितने समय तक काम कर रहे हो, टोटल आपको कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है। अगर रेट आपका बढ़ेगा तो टाइम आपको और टाइम भी बढ़ रहा है तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा। रेट आपका बढ़ेगा, टाइम आपको गिरा देगा, टोटल कॉस्ट वही का वही रखना है, ठीक है। यानी कि टोटल कॉस्ट को अगर हम लोग वही रखेंगे तो रेट को हम लोग अगर बढ़ा रहे हैं तो टाइम को ऑब्वियस हमको गिराना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से मैन पावर एंड वर्किंग आवर इनटू क्या हो देता है हमारा प्रोडक्शन, यानी मैन पावर यानी कितनी इफिशियंसी से आप काम कर रहे हैं, कितने घंटे आपने काम किया, और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो हमने क्या बताता है कि हम लोगों ने इतना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे हम लोगों को क्या करना है। देखो आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा फ्रैक्शन का एक और दो चीज़ बता दूं आपको कि क्या दे रखा है। जैसे मान लो हम लोग को, अभी मैंने आपको बताया था 3/4 को चेंज करना है हम लोग को किसमें, परसेंटेज में, ठीक है। इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 3 होल 3 × 1/4। 1/4 का मतलब होता है कितना, 25%। तो इसे हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 25% अगर चीज़ें हमें आसान दिख रही है वहाँ पे, तो ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा कितना, 75%। अब जैसे मान लो 11/7 है, ठीक है, 11/7 को हम लोगों को चेंज करना है परसेंटेज में, किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। तो 11/7 को हम लोग परसेंटेज में कैसे चेंज करें, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1+4/7, ठीक है। 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 100%, ठीक है। और 4/7 मुझे निकालना है, 4/7 निकालना है, 4/7 के लिए क्या होगा, 4 × 1/7, ठीक है। 4 × 1/7, 1/7 की वैल्यू जब हम लोग ध्यान देंगे तो 1/7 की वैल्यू होती है 14 होल 2/7%, ठीक है। कितनी होती है, 14 होल 2/7%। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 14 होल + 2/7% से इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। 14 × 4 जब करोगे तो ये हमें देगा 56, और यहाँ आगे बढ़ोगे तो 8/7, ठीक है, इन परसेंटेज। 8/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 होल 1/7, ठीक है। और यहाँ पे 56 था ही, प्लस किया हम लोगों ने, ये क्या देगा हमें, 57 होल 1/7%, यानी 4/7 की वैल्यू निकल गई हमारी कितनी, 57 होल 1/7%। और यहाँ पे जब हम लोग लिख सकते हैं 57 होल 1/7%, तो इन्हीं चीज़ों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमें देगा 157 होल 1/7%, और यही है हमारा 11/7 का परसेंटेज में चेंज करने का वैल्यू, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, अगला हम लोगों का क्या है, आगे एक और एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ, इसी को एक और एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। 43/8 है, ठीक है, कितना है, 43/8, ठीक है। इसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, 5+3/8, ठीक है। ये कैसे तोड़ना है, देखो 8 का नियरेस्ट मल्टीपल देख लो 43 के नज़दीक में, जैसे यहाँ पे 11/7 था ना, 7 का नियरेस्ट मल्टीपल यानी कि 1, 8 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या हो गया, 5, 8 × 5 = 40, और यहाँ पे हमारा 3 एक्स्ट्रा बच रहा है यानी 3/8, ठीक है। 5 का मतलब हमारा क्या होता है, 500%, ठीक है। जिस तरीके से 1 का मतलब होता है 100%, 5 का मतलब क्या होता है, 500%। 3/8 का 1/8 आपको मालूम है होता है 12 होल 1/2%, जिसका मतलब होता है 12.5%, ठीक है। तो 3/8 क्या हो जाएगा हमारा, 3 × 12.5, ठीक है। 12.5 जब करोगे तो ये देगा 37.5%, बस यहाँ पे लिख देना है 37.5%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 537 पॉइंट में कितना, 5%, किसकी वैल्यू हो जाएगी, 43/8 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो हम लोग ना कुछ सवाल की ओर डायरेक्ट चल रहे हैं, सक्सेसिव का जितनी भी थ्योरी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी, अब हम लोग ना डायरेक्ट सवाल की ओर चलेंगे, सवाल को समझा। देखो यहाँ पे मैंने ना एक ही पेज में 3 सवाल ले रखे हैं, और तीनों जो है ना एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ध्यान से समझना इन तीनों को हम लोग कैसे काम करेंगे। और इसी पे बेस्ड जो है मैंने और भी अच्छे अच्छे सवाल ले रखे हैं, मैंने इस वीडियो में टोटल 15 सवाल कवर करने हैं, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ सवाल को ही कवर करूंगा, और फिर बताऊंगा कि चीज़ों को कैसे कैसे समझना है। इसमें बेसिक से सवाल भी आपको मिलेंगे, हाई लेवल के भी सवाल मिलेंगे, सारे सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना चीज़ों को। क्या बोल रहा है, If the price of a rice is increased by 20%, ठीक है, राइस का प्राइस जो है 20% से बढ़ा देता है, ठीक है, एंड द कंजम्पशन बाय 30%, और कंजम्पशन को भी 30% से बढ़ा देता है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर पे क्या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ ये बताना है। अब देखो आपको फॉर्मूला मालूम है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैंने भी बोला इस पे इंक्रीज या डिक्रीज, इस पे इंक्रीज या डिक्रीज, इफेक्ट इस पे डालना है, एक्सपेंडिचर पे पूछ रखा है ना, चेंज इन एक्सपेंडिचर, और इन दोनों पे इंक्रीज या डिक्रीज करा रहा है, तो हम लोग क्या लगाते हैं वहाँ पे, सक्सेसिव लगा दो यहाँ पे, सक्सेसिव। प्राइस में 20 का इंक्रीज किया, कंजम्पशन में भी 20 का इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और यहाँ प्लस इंटू प्लस है, क्या होगा, प्लस,
20 इंटू 30 बटे में क्या 100, ठीक है। आगे यहाँ से जब काट दिया हम लोगों ने, तीन दुना क्या हो गया 6, 30 20 कितना हो गया 50, 50 6 कितना 56, यानी कि ये हमें क्या देगा 56%। और ये अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव का मतलब क्या है इंक्रीज, और 56% का इंक्रीज होगा किस में, एक्सपेंडिचर में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो हम लोगों का क्या, इफ़ द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाई 20%। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस को 20% से बढ़ा दे रहा है, किसको बढ़ा दे रहा है प्राइस को, एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 56%। अब यहाँ पे देखो सवाल बदल दिया, एक्सपेंडिचर को क्या कर रहा है 56% से बढ़ा दे रहा है, ठीक है। देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा, कंजम्पशन में क्या करना है इंक्रीज कराना है, तो कंजम्पशन में नहीं मालूम, मैंने मान लिया एक्स परसेंट का इंक्रीज होगा। देखो बच्चों को क्या आदत होता है ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जैसे ही 2% दिख जाता है ना वहाँ पे उन लोगों ने क्या करता है सक्सेसिव लगाना शुरू कर देता है। चीज़ों को समझो कि सक्सेसिव इन्हीं दोनों पे लगेगा, प्राइस और कंजम्पशन ही लगेगा, और इफेक्ट एक एक्सपेंडिचर देगा, मतलब इक्वल टुगेदर कौन रहेगा एक्सपेंडिचर रहेगा ऑलवेज, चाहे वो परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज करा रहा हो, चाहे जिन भी चीज में करा रहा हो। तो यहां पे देखो प्राइस और कंजम्पशन का हम लोग सक्सेसिव लगा देते हैं, तो 20 प्लस में क्या होगा एक्स, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा 20x बटे में क्या हो जाएगा हमारा 100, बराबर में कितना 56, ठीक है। अब यहाँ से 20x है तो 100, या इन दो टर्म को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या देगा 120x बटे में कितना 100, ठीक है, बराबर में 56 में जब आप 20 घटा दोगे तो ये हमें देगा 36। अब साफ साफ दिख रहा है यहाँ से 0 0 काट दो, 12 से काट दो या तीन बार में, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 30%, और यही हमारा आंसर है। देखो अभी सेम सवाल था ना हम लोगों का, 20% था 30% था तो 56% आए थे, जब 20% लिया 56% लिया तो 30% आने चाहिए थे, देखो आगे 30%, ठीक है, 30% प्लस में आया, यानी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। सेम ऐसा ही एक और सवाल मैंने लिया है, यहाँ पे हमारा क्या दिए हुए देखो, इफ द कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली इंक्रीज्ड बाई 30%, ठीक है, कंजम्पशन जो है एक फैमिली का 30% से क्या होता है बढ़ा देता है, ठीक है, 30% से जब कंजम्पशन को बढ़ा देता है एंड द एक्सपेंडिचर गॉट इंक्रीज बाई 56%। देखो हम यहाँ पे दिए हुए क्या, कंजम्पशन को 30% से बढ़ाया, ठीक है, एक्सपेंडिचर को जो है 56% से बढ़ाया। सेम डाटा के साथ मैंने इस सवाल को लिया है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा, मैंने बोल दिया प्राइस में वाई परसेंट का इंक्रीज होगा, एज्यूम कर लिया प्राइस में क्या होगा वाई परसेंट का इंक्रीज होगा। हमें मालूम है प्राइस और कंजम्पशन पे ही सक्सेसिव लगेगा, यानी प्लस में वाई, प्लस में 30, प्लस में 30 वाई, ठीक है, बटे में कितना हमारा हो जाएगा 56, ठीक है। यहाँ से एक 0 0 अगर हम काट दें तो ये 30 जब उधर जाएगा तो 56 में 30 चला जाएगा, हमारा कितना बचेगा 26, 10y और यहाँ पे 3 है, यानी कितना हो जाएगा 13y बटे में क्या 10, 13 से जब इसे काट दूंगा तो दो बार में, यानी y की जो वैल्यू निकल गई कितनी निकल गई 20%। देख लो कि हर सवाल का जो डाटा है सारा मैच किया कि नहीं, प्राइस 20, कंजम्पशन 30, एक्सपेंडिचर 56, प्राइस 20, एक्सपेंडिचर 56, कंजम्पशन 30, कंजम्पशन 30, एक्सपेंडिचर 56, प्राइस भी निकल गया 20%। यानी कि हर चीज़ों को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। इन चीज़ों में एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर ये एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है तो ये यहाँ पे क्या होगा प्लस में होगा, अगर यही चीज़ डिक्रीज कर दो तो वहाँ पे हम लोग साइन भी लगा देते हैं क्या माइनस का, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना। शुरू से मैंने बोल रखा है ना कि साइन अगर प्लस में आ रहा है तो वो इंक्रीज, माइनस में आ रहा है तो डिक्रीज, तो उसे दिखाने के लिए भी मुझे क्या करना है वहाँ पे साइन की वैल्यू को उस तरीके से बना के रखनी है, ठीक है। चलो अगला सवाल चलते हैं। अब देखो अगला सवाल क्या है, इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 30% एंड कंजम्पशन डिक्रीज बाय 20%, प्राइस जो है 30% से क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक है, प्राइस, और कंजम्पशन जो है 20% से क्या हो जाता है डिक्रीज कर जाता है, एक्सपेंडिचर पे हमें पूछ रहा है इफेक्ट क्या होगा, तो 30% से बढ़ा यानी क्या हो गया प्लस 30, ठीक है, कंजम्पशन 20% से घटा क्या हो जाएगा माइनस 20, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या होता है हमारा माइनस, 30 इंटू क्या 20 बटे में क्या 100, ठीक है, 0 0 यहाँ से खत्म हो जाएगा, 30 में 20 चला जाएगा 10, 3 दुना क्या 6, और यही हमारा क्या देगा हमें 4% देगा, ठीक है, ये हमें क्या देगा यानी कि एक्सपेंडिचर में जो इन हो रहा है 4% का। अब देखो चीज़ें यहाँ अगर प्लस में आ रही हैं तो 4% का क्या हो रहा है हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो सवाल में साफ साफ बोला है परसेंटेज चेंज, आपसे ये नहीं पूछेगा एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, ठीक है, चेंज पूछ रहा है तो आपको खुद बताना होगा कि यहाँ पे 4% का जो है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर डिक्रीज होता तो वो माइनस में आता तो माइनस में हम लोग वहाँ पे क्या लिखते हैं डिक्रीज लिखते हैं, ठीक है, जब चेंज पूछे तो आपको इंडिकेट करना होगा वहाँ पे। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, अगला सवाल में हम लोग को क्या है, अभी मैंने बताया था कि इफेक्ट जो है इफेक्ट को क्या रखना है जीरो, उसी पे बेस्ड ये सवाल है। देखो बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ सुगर इज डिक्रीज बाय 30%,
प्राइस को क्या कर रहा है, 30% से डिक्रीज कर दे रहा है, ठीक है। कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर मैंने लिख दिया, ठीक है भाई। हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन बी इंक्रीज्ड, कंजम्पशन को कितना परसेंट से बढ़ाया जाए, तो मैंने बोल दिया एक्स परसेंट से बढ़ाया जाए, जो बोले बस वो लिखते चले जाना है, ठीक है। एक्स परसेंट से बढ़ा दिए, सो डैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा क्या रहे, सेम रहे। सेम का मतलब क्या है कि इफेक्ट जीरो, ठीक है। सेम का मतलब क्या है कि वो इफेक्ट जीरो, यानी कि ना कोई इंक्रीज हो रहा है ना कोई डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। बस जीरो पे यहाँ पे क्या करना है, सक्सेसिव लगा देना इन चीज़ों को। बहुत सारे मैंने देखे 100 वगैरह, जब इन चीज़ों में मैं क्वांटिटी लगा देता हूँ ना तो 100 वगैरह बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है, डिजिट्स बदलता हूँ ना तो 100 वगैरह बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो इन चीज़ों को देखो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मत पढ़ो, कोई एक चीज़ पढ़ो वो हर जगह लगाओ, ठीक है, मेरा मानना यही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑब्वियस है कि प्राइस जब इफेक्ट एक्सपेंडिचर जो है हमारा इफेक्ट जीरो होगा, तो मैंने क्या बताया था कि दो मान लो तराजू है हमारा, ठीक है, हमको उसको बीचों बीच रखना है। तो बीचों बीच जब रखना है तराजू को, तो एक अगर बढ़ाएंगे तो दूसरे से क्या करना है, घटाना होगा हमको। वही चीज़ यहाँ पे भी, ये अगर घट रहा है तो ये बढ़ेगा, ये अगर बढ़ रहा है तो ये घटेगा, ठीक है, तब ना इफेक्ट हमारा जीरो रहेगा। तो बस यहाँ पे आप शुरू करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, -30 लगाएंगे, ये बढ़ रहा है यानी प्लस एक्स लगाएंगे, और माइनस प्लस क्या होगा, -30x/100, और इज इक्वल टू इफेक्ट क्या है हमारा, जीरो है। बस इसी को सॉल्व करना है हमें यहाँ पे, 10 में 3 चला जाएगा यानी क्या बचेगा हमारा, 7x/10, -30 से उधर जाके हमारा क्या हो जाएगा, +30, इक्वल टू क्या हो जाएगा, +30, ठीक है। +30 जब हो गया हमारा, तो यहीं पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300/7। अब बोलो ये 300/7, आप जैसे इसको कन्वर्ट कर लो, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान में होगा तो 1/7 की वैल्यू होती है 14 whole 2/7%, ठीक है। 3/7 चाहिए मतलब क्या, इधर भी 3 से गुना, इधर भी 3 से गुना, आप आसानी से लिख सकते हो, 3 × 14 जब करोगे तो क्या होगा हमारा, 42, 3 × 2 करोगे तो क्या होगा, 6/7। नम्बरेटर हमारा छोटा ही है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 42 whole 6/7%, यानी 300/7 की वैल्यू कितनी हो गई, ये परसेंट में निकला है, ठीक है, 42 whole 6/7%, ठीक है, कितना हो गया, 42 whole 6/7%। चलो अगले सवाल, देखो अगला सवाल हम लोगों का क्या है, बोल रहा है द प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है। प्राइस जो है सुगर का वो क्या हो रहा है, 20% से बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे जैसे डाटा बोले ना वैसे वैसे लिखते चले जाओ, प्राइस जो है 20% से क्या किया, इंक्रीज किया। बाय हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज, कंजम्पशन को कितने किलोग्राम से हम लोग कम करेंगे, सो एज द एक्सपेंडिचर जो है विल इंक्रीज बाय 5%, एक्सपेंडिचर जो है 5% से इंक्रीज करेगा। तो किलो से कमी होगी कंजम्पशन में, तो क्या है परसेंटेज से भी कमी होगी, तो यहाँ पे परसेंटेज में भी कमी लगा दिया मैंने, ठीक है। और क्या दे रखा है, ओनली वेन एट प्रेजेंट अ पर्सन कंज्यूम्स 245 किलो, यानी कि उसका करेंट कंजम्पशन जो है वो आपको दे रखा है कितना, 245 किलो, यानी कि अभी जो है वो कितना यूज कर रहा है, 245 किलो यूज कर रहा है, ठीक है। तो समझो यहाँ पे क्या है हमारा, कि 20% का प्राइस में इंक्रीज हुआ, कंजम्पशन में एक्स का डिक्रीज हुआ, ठीक है, यानी माइनस में 20x/100, ठीक है। और यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 का इंक्रीज हो रहा है, यानी प्लस। अब 20 से मैंने इसे काट दिया 5 बार में, ठीक है, ये 20 उधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें सबसे पहले मिल जाएगा -6x/5, ठीक है। 20 जब उधर जाएगा तो प्लस में 5 माइनस में 20, ये हमें क्या देगा, -15 देगा, ठीक है। -15 का मतलब क्या हो गया, ये माइनस माइनस खत्म हो गया, 3 से काट दो 2 बार में, 3 से काट दो इसे 5 बार में, ठीक है। x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 25/2, डैट इज 12.5%, ठीक है। 12.5% तो ये मालूम हो गया कंजम्पशन में इतने की गिरावट आई है, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा 100% टोटल कंजम्पशन था, 30% गिर रहा था, ठीक है, तो अभी हम कितना यूज़ कर रहे हैं, 70%। अगर ऐसा कुछ आता तो डायरेक्ट हम लोग 70% को ये 245 रेट कर देते, लेकिन जब यहाँ पे तुम 12.5% को 100 में घटाओगे तो वो डेसिमल में चीज़ें चली जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि जब वो डेसिमल में ज़्यादा जा रहा है बड़े नंबर्स में, तो हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन पे चलते हैं। 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, ठीक है। डिनोमिनेटर जो होता है वो होता है हमारा ओरिजिनल, डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है, ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनली हम लोग जो है अगर 8 यूनिट कंजम कर रहे थे, तो 12.5 का कमी का मतलब क्या है, 1 यूनिट का मेरा कमी हो रहा है, कितने का कमी हो रहा है, 1 यूनिट का मेरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर इनिशियल कंडीशन में हम 8 kg यूज़ कर रहे हैं, तो 1 kg का हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, यानी कि अभी हम कितना यूज़ कर रहे हैं, 7,
यानी कि ये 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो मुझे दे रखी है 245 किलो। ठीक है, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, और 7 कहाँ से आया, 8 माइनस में 1। ठीक है, 7 यूनिट की वैल्यू जब 245 किलो है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 245 बटे में कितना 7। ठीक है, अभी इसी 7 से इसे काट दूंगा तो ये मुझे देगा 35, और इसी की वैल्यू मान मुझे पूछ रखी थी 35 केजी, पूछ क्या रखा था मुझे भाई, हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज, कंजम्पशन को कितने से डिक्रीज करना है, डिक्रीज कौन है, 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान निकल गया 35 किलो, और यही हमारा आंसर इस सवाल का कि 35 केजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%। प्राइस जो है शुगर का वो 25% से बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे प्राइस क्या बोल रहा है, 25% से हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, प्राइस को जब हम लोग 25% से बढ़ा दिए, आगे क्या दे रखा है कि ड्यू टू दिस अ फैमिली यूजेस 27 केजी लेस शुगर, यानी कंजम्पशन में जो है वो बोल रखा है 27 केजी का कमी होगा। 27 केजी का कमी होने का मतलब क्या है, कुछ परसेंटेज का भी कमी होगा, यानी मैंने बोल दिया एक्स परसेंट। सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाई 12.5% ऑनली, एक्सपेंडिचर जो डिक्रीज करेगा वो 12.5% से डिक्रीज करेगा सिर्फ, बोल रहा है ओरिजिनल कंजम्पशन बताने के लिए। ठीक है, तो ओरिजिनल कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सक्सेसिव लगा दो। सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, 25 है प्लस में नहीं, यहाँ पे हम लोग का क्या है, ये डिक्रीज है। ठीक है, ये भी डिक्रीज है, यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, ये प्लस में, ये माइनस में, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, 25x बटे में कितना 100। ठीक है, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, अब ध्यान दो यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या है, 12.5 का डिक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस में 12.5% लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से जब इसे आप सॉल्व करोगे, 25 से आप चाहो तो इसे काट दो यहाँ पे। ठीक है, 25 से जब इसे काट दोगे तो ये हमारा 4 बार में कट जाएगा, इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे ये मुझे देगा 5x बटे में क्या 4। ठीक है, बराबर में माइनस 12.5 तो था ही हमारा, प्लस में था, ये इधर आके देगा माइनस में 25। ठीक है, इसी को जब ऐड करोगे तो ये हमें देगा 37 पॉइंट में कितना 5%। ठीक है, विथ निगेटिव साइन, ये माइनस और ये माइनस तो खत्म हो जाएगा यहाँ से। 5 से जब इसे काटोगे तो 5 से ये कटेगा 7.5 बार में, यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी हमारी 30%। तो 30% कहने का मतलब क्या है कि अभी जो हम लोग का है कमी जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 30% का कंजम्पशन में कमी हो रहा है, और कमी का मान दिए हुए है 27 केजी का कमी। ठीक है, या तो इसे आप फ्रैक्शन पे कर लो या तो परसेंटेज पे कर लो, क्योंकि ये नंबर बहुत आसान है। 30% का मान आपको दिए हुए है कितना, 27 केजी। ठीक है, यानी 30% का मान आपको जब 27 के जी दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है, 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान आप कैसे निकालोगे, डायरेक्ट यहाँ पे 27 बटे में क्या 30 गुने में कितना 100। ठीक है, ये 0 0 खत्म हो जाएगा 3 से हमारा 9 बार में, यानी कि 100% का मान जो निकल गया वो निकल गया हमारा 90 के जी, यानी कि हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन जो है वो कितना है 90 के जी, क्योंकि 100% ही हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन होगा। ठीक है, जब परसेंटेज में हम 30% की कमी कर रहे हैं तो। ठीक है, इस तरीके से हमारा 90 किलो आ गया। अगर हमसे यही करेंट कंजम्पशन पूछता तो करेंट कंजम्पशन क्या हो जाता, 90 माइनस में कितना 27 कर देते, 90 माइनस 27 जब करेंगे तो ये हमें देगा कितना 63 के जी। ठीक है, यहाँ पे 63 के जी हमारा क्या हो जाएगा, करेंट कंजम्पशन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। अब देखो इसी सवाल में अगर मान लो हमसे डायरेक्ट कंजम्पशन पूछा था कि करंट कंजम्पशन बता दो कितना है, तो जिस तरीके से हम लोगों ने 30% का मान निकाला था 27 केजी, तो देखो टोटल होता है 100%। ठीक है, 30% की हम लोगों ने कमी की। ठीक है, तो हम लोग अभी खपत कितना कर रहे हैं, अभी हम लोग यूज़ कितना कर रहे हैं 70%, यानी 30% का जब मान हमें मालूम है 27 केजी, तो हम लोग 70% का डायरेक्ट यहाँ से मान निकाल देते हैं, 27 बटे में 30 इंटू क्या 7। ठीक है, यहाँ से काट दो 0 0 खत्म, 3 से कट जाएगा 9 बार में, 97 का कितना आ गया 63 केजी, यहाँ से भी आ गया 63 केजी। इस तरीके से भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखो हम लोग का सवाल क्या है, After increasing the price by 14.28%, ठीक है, the price becomes 104 rupees per kg, ठीक है, price को जब हम लोग 14.28 से बढ़ाते हैं तो 104 हो जाता है, यानी बढ़ने के बाद होता है। पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, प्राइस हमारा क्या है, इंक्रीज कर रहा है 14.28% से। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/7। ठीक है, 7 रुपीज़ हमारा अगर ओरिजिनल होगा, 1 रुपये से बढ़ रहा है, यानी कि अभी का प्राइस क्या हो गया हमारा 8। ठीक है, यानी 8 का ही मान दिए हुए हमारा कितना 104 रुपया, ठीक है, पर के जी। तो हम लोगों को क्या निकालना है, करेंट प्राइस निकालना है। तो करेंट प्राइस क्या हो जाएगा, 7 का मान निकाल दो, 104 बटे में 8 गुने में कितना 7। ठीक है, इसे जब सॉल्व करूंगा तो ये मुझे देगा 91। ठीक है,
हमारा करंट, ये हमारा क्या निकल गया, हमारा करंट प्राइस निकल गया और ये निकल गया हमारा ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। अब देखो क्या बोल रखा है कि द कंपनी यूजेस 5 kg लेस राइस, कंपनी का जो कंजम्पशन है वो क्या हो जाता है 5 kg से कम हो जाता है, ठीक है। तो 5 kg से जब कम हो जाता है यानी कि कुछ परसेंटेज से भी कम होगा, मैंने बोल दिया एक्स परसेंट से क्या होगा वो कम होगा, एक्स परसेंट से कम हो गया। अब एक्सपेंडिचर जो बोल रहा है, एक्सपेंडिचर जो डिक्रीज कर रहा है वो डिक्रीज कर रहा है 14.28% से सिर्फ, ठीक है। 14.28 का मतलब क्या हो गया -1/7 का, ठीक है। अब देखो हम लोगों को फ्रैक्शनल सक्सेसिव पढ़ा था, फ्रैक्शनल सक्सेसिव में हम लोगों ने क्या बोला था कि सब चीज़ें फ्रैक्शन में, तो ये परसेंटेज में इसका भी फ्रैक्शन हम लोगों ने बोल दिया क्या वाई है, ठीक है। अब जब वाई ही है तो प्राइस में हम लोग क्या कर रहे हैं 1/7 का इंक्रीज, माइनस में वाई गुने में 1/7 बराबर में क्या हमारा 1/7, ठीक है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो -8y में 7 देगा बराबर में -1/7, -1/7 क्या देगा हमें -2/7, 7 खत्म, माइनस माइनस खत्म, ठीक है। 2 से कट जाएगा ये 4 बार में, यानी y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1/4। अब चाहो देखो ये y जो 1/4 में हमारा आ रहा है ये किस चीज़ को हमें डिनोट कर रहा है, डिक्रीज को, किस में कंजम्पशन में, यहाँ माइनस लग गया हमारा, ठीक है। और ये जो है हमारा फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/4 का वैल्यू होता है 25%, यानी 25% का हम लोग बोल सकते हैं डिक्रीज, ठीक है। लेकिन इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग इनिशियल कंडीशन में बोलें कि 4 यूनिट यूज़ करते हैं तो करंट में कितना यूज़ करेंगे, 3 यूनिट, 4 में एक चला जाएगा। और बोल रहा है कि 1 यूनिट का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 5 kg, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 kg है, तो सबसे पहले 4 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं। 4 यूनिट यानी क्या हमारा हो जाएगा ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल कंजम्पशन हमारा कितना हो जाएगा 4 × 5 यानी कि 20 kg, ठीक है। अगर हम लोग बात करें अभी करंट कंजम्पशन की, तो करंट कंजम्पशन क्या होगा, 4 में 1 चला जाएगा यानी 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा करंट कंजम्पशन 3 × 5 यानी कि कितना 15 kg, ठीक है। करंट कंजम्पशन हमारा निकल गया 15 kg। अब हमसे पूछ क्या रखा है, पूछ रहा है फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर एंड करंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर भी बताना है, करंट एक्सपेंडिचर भी बताना है। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा हमारा, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू क्या, कंजम्पशन। ओरिजिनल प्राइस हमारा था 91 और ओरिजिनल कंजम्पशन था हमारा 20, 91 × 20 क्या हो जाएगा 1820, ठीक है। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर का बात करते हैं, सॉरी करंट एक्सपेंडिचर का बात करते हैं, तो करंट एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो जाएगा, करंट प्राइस हमारा कितना है 104 और हम लोग यूज़ कितना करते हैं 15 kg, यानी कि करंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा हमारा 1560, ठीक है। कितना हो जाएगा 1560। अब जब इन दोनों में आप देखोगे ना, इन दोनों में आपका जब डिक्रीज आप देखोगे तो ये डिक्रीज होगा माइनस में 4.28% का होगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर, यही दो हमारा जो आंसर है, ये दो हमारा आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है हम लोगों का, क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 40%। प्राइस जो है वो कितने परसेंट से बढ़ता है, 40% से बढ़ जाता है, जिसकी वैल्यू होती है फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी 2/5 में, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 20 kg लेस शुगर, कंजम्पशन जो है वो क्या होता है 20 kg कम हो जाता है। 20 kg कम होने का मतलब क्या है, कुछ फ्रैक्शन में भी कमी आएगी, कुछ परसेंटेज में भी कमी आएगी, तो मैंने मान लिया x परसेंट का कमी हो रहा है, ठीक है। 4 rupees 700, 4 rupees 700 का मतलब क्या हो रहा है कि पहले भी वो एक्सपेंडिचर जो था उसका क्या था 700 था और अब भी कितना है 700, यानी क्या है सेम, सेम का मतलब क्या होता है इफेक्ट हमारा क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, बस इफेक्ट जीरो हो गया, खत्म हो गया कहानी। लगा दो सक्सेसिव, 40 का इंक्रीज किया माइनस में एक्स, माइनस में 40x बटे में क्या 100, ठीक है, बराबर में जीरो, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर दो इसे, 2 से 2 बार में, 2 से यहाँ 5 बार में, ठीक है। जब इसे सॉल्व करूँगा तो यहाँ से -7x y में क्या देगा 5 देगा, बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 40 विथ निगेटिव साइन, ठीक है। माइनस माइनस हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा चला जाएगा, माइनस माइनस जब हमारा चला गया तो अब ध्यान दो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आगे देखो कि जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये हमें क्या देगा, x इज इक्वल टू 54 जो हमारा कितना 200 बटे में कितना 7, ठीक है। 200 बटे में 7 तो ये हमें दिया परसेंटेज में, जब इसको हम लोग फ्रैक्शन में लाएंगे तो फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे, 200 बटे में 7 परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या हो जाता है 100 आ जाता है,
तो ये चला जाएगा हमारा, यानी फ्रैक्शन में ये क्या दे दिया हमारा 2/7, यानी कि अगर हम लोग बोले कंजम्पशन में अगर हम लोग बात करें तो 200 बटे में 7% का डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन यही चीज़ को अगर हम लोग फ्रैक्शन में बोलेंगे तो 2/7 का डिक्रीज होगा, ठीक है। तो 2/7 का जब डिक्रीज हो रहा है फ्रैक्शन में, तो हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, ओरिजिनल कंजम्पशन, करेंट कंजम्पशन, ओरिजिनल प्राइस, करेंट प्राइस, ठीक है, सब चीज़ निकालना है। तो सब चीज़ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ओरिजिनल कंजम्पशन निकालते हैं, जो हमसे पहले पूछा था। ओरिजिनल कंजम्पशन कैसे निकलेगा हमारा, यहाँ पे ध्यान दो कि 2 का हमारा 7 हमारा ओरिजिनल है, 2 का हमारा क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी यही 2 का मान जो है आपको दिए हुए है कितना, 20 kg, ठीक है। यही 2 का मान कितना दिए हुए, 20, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 10 kg, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का ओरिजिनल कंजम्पशन निकल गया 7, ओरिजिनल कंजम्पशन है हमारा 7, हमारा क्या हो जाएगा, 70 kg, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू हमारी निकल गई कितनी, 70 kg, ठीक है। अब करेंट कंजम्पशन का बात करते हैं, करंट कंजम्पशन हमारा क्या होगा, टोटल 7 था, 2 का हम लोगों ने कमी किया, यानी क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी, 5 यूनिट यूज़ कर रहे हैं, 5 हमारा क्या है, करंट कंजम्पशन, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 kg हो जाएगी, ठीक है। यानी कि करंट कंजम्पशन भी हमारा निकल गया कितना, 50 kg। अब देखो ओरिजिनल प्राइस निकालना है, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। प्राइस कैसे निकलता है हमारा, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई क्या, कंजम्पशन। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि एक्सपेंडिचर जो है उसका दोनों ही कंडीशन में क्या है, 7 है, ठीक है, लेकिन कंजम्पशन जो है बदला हुआ है। तो ओरिजिनल प्राइस का जब हम लोग बात करेंगे तो ओरिजिनल प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर 700 बटे में ओरिजिनल कंजम्पशन हमारा कितना है, 70, यानी कि जब इसे आप डिवाइड दोगे तो ये देगा 10 रुपीज़ में क्या, पर केजी, यानी कि ओरिजिनल प्राइस हमारा निकल गया 10 रुपीज़ पर केजी। ओरिजिनल करेंट प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो करेंट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 700 बटे में कितना, 50, ठीक है, जब आप इसे डिवाइड दोगे तो ये देगा हमारा 14, यानी इसी के साथ हमारा करेंट प्राइस क्या हो जाएगा, 14 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, यानी कि ये हमारा वैल्यू क्या हो गया, 14 रुपीज़ पर केजी। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है 70 kg ओरिजिनल कंजम्पशन, करेंट कंजम्पशन 50 kg, और ओरिजिनल प्राइस हमारा 10, और फिर करेंट प्राइस हमारा कितना, 14, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 30%, ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 15%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। आप जानते हो लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है। अभी इन दोनों पे इंक्रीज या डिक्रीज इफेक्ट किस पे डालना है, एरिया पे डालना है, सक्सेसिव लगेगा, ऑब्वियस बहुत आसान सा सवाल था। 30 का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ब्रेथ 15 का डिक्रीज कर दे रहे हैं, और इसी के साथ हमारा क्या हो जा रहा है, प्लस माइनस माइनस 30 × 15 बटे में क्या, 100, ठीक है, 30 × 15 बटे में क्या, 100। अब यहाँ से हमें इसे सॉल्व कर देना है, 0 से 0 काट दो यहाँ पे आप, ठीक है, और यहाँ से काट दो 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में। जब 30 में 15 जाएगा यानी क्या बचेगा, 15, 9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5 का मतलब क्या हो गया, 11.5% प्लस में आया है, यानी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी को देखो एक और तरीका से मैं बताता हूँ, लेंथ हमारा क्या है, 30% का फ्रैक्शन क्या होगा, 3/10, ब्रेथ हमारा है 15%, ठीक है, 15% का फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, 15% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/20, ठीक है। अब यहाँ ये डिक्रीज है इसको इंडिकेट कर दिए, ये इंक्रीज था इसको इंडिकेट कर दिए, ठीक है। अगर हम बोले लेंथ ओल्ड वाला और हम लोग क्या बात कर रहे हैं, न्यू में, ठीक है, लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ अगर ओल्ड में हमारा ओरिजिनल, ओल्ड मतलब क्या, ओरिजिनल ओल्ड अगर हमारा 10 होगा तो 3 का इंक्रीज करा, यानी नया वाला कितना हो जाएगा, 13। ब्रेथ का अगर बात करें, ब्रेथ हमारा अगर 20 था तो 3 का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा, 17। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 20 × एरिया जो आ रहा है हमारा, ओल्ड में था हमारा 200 और 17 × 13 जब करूँगा तो ये होगा 221, ठीक है। तो ओल्ड में था हमारा एरिया 200, यहाँ पे 221 कितने का इंक्रीज किया। अब देखो इन सब सवालों को क्या होता है ना, परसेंटेज का तुलना ना हम लोग 100 पे सबसे ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 100 बोलते हैं और यहाँ पे मैं 130 लिख दूँ तो आप साफ साफ बोल दोगे सर यहाँ पे 30% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 लिख दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ 97 तो आप साफ साफ बोल दोगे कि 3% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्यों ना इसे भी अगर 100 में ले आए तो ज़्यादा आसान हो जाए। इसी को जब हम लोग हाफ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा ये 111.5, ठीक है। अब साफ साफ आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ कितने परसेंट की इंक्रीज हो रही है, 11.5% की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और यही हमारा आंसर है। और एल्स आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो, मैंने बताया था किसी भी चीज़ का आपको इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है, ठीक है, किसी भी चीज़ का आपको क्या निकालना है, इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है। तो इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान में रखो,
ठीक है, कि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है हम लोगों का, चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, चेंज इन क्या, क्वांटिटी बटे में ओरिजिनल और इनटू में क्या, मैंने पहले ही बता रखा था इसी से। ठीक है, इनटू में क्या करना है, 100 कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो 100 जब कर देंगे और यहाँ पे क्या लगा देना है, परसेंटेज, यहाँ पे देखो कितने का बदलाव आ रहा है क्वांटिटी में, 21 का। ठीक है, 21 लिख दिया, ओरिजिनल कितना था हमारा, 200 था, और गुने क्या कर दिया, 100, और यहाँ पे क्या लगा दिया, परसेंटेज लगा दिया, 0 0, खत्म हो गया। साफ साफ 21 इंटू 11 क्या, 2 क्या देगा, 11.5%। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का क्या है, देखो द लेंथ, बहुत ही अच्छा सवाल है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 12.7 मीटर। ठीक है, लेंथ जो है 12.7 मीटर है, एरिया हमारा दिए हुआ है, यहाँ से हम लोग ब्रेथ निकाल लेते हैं। इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, लेंथ जो है 20% से निकाल दिया, बढ़ा देता है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन ब्रेथ टू कीप द एरिया 1016 मीटर स्क्वायर। अरे देखो यहाँ तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, कैसे जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें लेंथ दिए हुए है कुछ भी, ठीक है, एरिया दिया 1016 और एरिया हमारा वही का वही है, यानी एल इंटू बी है बराबर में एरिया, एरिया में तो कोई इफेक्ट आया ही नहीं, यानी इफेक्ट क्या हो जा रहा है यहाँ पे हमारा, जीरो हो जा रहा है। इफेक्ट जब जीरो हो जा रहा है तो हमें मालूम है एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा क्या करेगा, डिक्रीज। देखो यहाँ पे चेंज पूछा है तो साफ साफ पहले पता चल गया तुम्हें क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ब्रेथ में मैंने बोल दिया एक्स परसेंट का क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो प्लस में 20 माइनस में एक्स, और माइनस में क्या हो जाएगा, 20x बटे में क्या 100 बराबर में, ये हमें क्या देगा यहाँ पे, इक्वल टू में 0। ठीक है, अब यहाँ से 20 से काट दो 5 बार में, ये ऊपर में हो जाएगा माइनस 6x बटे में 5 बराबर में कितना, माइनस 20। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा, माइनस में 100, माइनस माइनस हमारा खत्म हो जाएगा, यानी कि प्लस में 100 और बटे में कितना 6, 100/6% है, 100/6% का मतलब क्या हो जाता है हमारा, 100/6% हम लोगों को सिंपली क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, सीधा सीधी यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान देंगे, यही हमें क्या देगा, 16/2/3%। ठीक है, यही हमारा आंसर है कि ब्रेथ में जो है हम लोग क्या करेंगे, 16/2/3% का डिक्रीज करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल चलते हैं, क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 100%। देखो ट्रिपल सक्सेसिव लगाना है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को जो है 100% से क्या करता है, इंक्रीज कराता है, वॉल्यूम में इफेक्ट कर रहा है। वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इन दोनों पे सक्सेसिव लगाएंगे, फिर इन दोनों का नेट इफेक्ट किस पे डालेंगे, एच के साथ लगा देंगे। तो जब 100 प्लस में 100 करेंगे और यहाँ पे L और B के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, और प्लस में 100 इंटू 100 करेंगे बटे में 100, ठीक है, कट जाएगा यहाँ से, क्या होगा, 100 100 200 और एक कितना, 300, यानी LB जो है वो 300% का क्या देगा, इंक्रीज देगा। अब इसको क्या करना है, LB और H पे हमको निकालना है, LB का तो मालूम है हमारा 300, प्लस में क्या 100, प्लस में क्या 300, गुने में क्या 100 बटे में क्या 100, ठीक है, 100 100 खत्म हो गया, 3 3 6 और 1 कितना, 700, यानी कि 700% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एल बी एच का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम, यानी 700% का इंक्रीज हो रहा है किसमें, वॉल्यूम में, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, यानी ट्रिपल एलिगेशन लगाना भी आसान है हमारा, ठीक है, सॉरी ट्रिपल सक्सेसिव। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे क्या है, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इंक्रीजेस बाई 4/3 times। ठीक है, 4/3 times से जो है इंक्रीज कर जाता है रेडियस। इंक्रीज मतलब क्या, रेडियस पहले आर था तो उसको अब क्या हो जाता है, आर गुने 4/3। अब ध्यान दो 4/3 times का मतलब क्या है, गुने 4/3। ठीक है, ये गुना 4/3 कब होता है, जब कोई 1/3 से इंक्रीज करेगा तब ना वो गुना 4/3 होगा। ठीक है, यानी कि हमको ये पता चल गया रेडियस जो है 1/3 से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बट इट हाइट्स रिड्यूसेस बाई 40%, 40% से क्या हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है। 40% से रिड्यूस करने का मतलब क्या है, 2/5 से कमी हो जा रहा है। ठीक है, वॉट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो वॉल्यूम होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, जिसको हम लोग आर इंटू एच बोलते हैं। पाई तो कांस्टेंट है, हम लोग को तीन चीजों पे इंक्रीज डिक्रीज लगाना है, तो तीन चीजों पे कैसे लगाते हैं, कोई दो चीज का निकाल लेते हैं। अब देखो 1/3 को आप चाहो तो 33.33% लिख सकते हो, लेकिन वो करने में कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, फ्रैक्शनल सक्सेसिव। फ्रैक्शनल सक्सेसिव कैसे लगेगा हमारा, 1/3 पहले रेडियस पे लगा लो, आर और आर का सक्सेसिव लगा लो। ठीक है, 1/3 1/3 और प्लस में क्या 1/3 × 1/3 कर लो। ठीक है, जब ये कर लोगे आप यहाँ से, इसी को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये हमें देगा 2/3
और प्लस में 1 बाई कितना देगा हमें 9 देगा, ठीक है। इसी को जब सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद ये मुझे देगा 7/9, ठीक है। ये तो आर आर का निकल गया। अब हमको क्या करना है, आर आर और एच पे जब हम निकालेंगे तो हमारा वॉल्यूम में चेंज बता देगा। आर आर एच पे कैसे निकालेंगे, आर आर का तो 7/9 है, एच में क्या हो रहा है 2/5 का कमी हो रहा है, ठीक है। और फिर माइनस कर दो 7/9 और गुने में कितना 2/5, ठीक है। आसानी से यहाँ से एलसीएम ले लो कितना 45, ठीक है। 9 से 5 बार में तो 7/5 का कितना हो जाएगा 35, 5 से 9 बार में 9 टू जा कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे 45 तो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, ठीक है। इसी को जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हमें देगा 35 माइनस में 32 बटे में क्या 45, ठीक है, यानी कि 3/45। 3 से जब काटोगे तो 15 बार में यही हमें क्या देगा 1/15, 1/15 का मान क्या होगा हमारा 6/3%, चूंकि ये फ्रैक्शन में था हमें परसेंटेज में चाहिए था, यानी कि वॉल्यूम में जो नेट इफेक्ट आएगा वो वॉल्यूम में इफेक्ट कितने का आएगा 6/3% का क्या आएगा इंक्रीज, क्योंकि सारे चीज़ें क्या निकली हैं प्लस में निकली हैं, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, बोल रहा है ड्यू टू लेस लेबरर्स, ठीक है, लेस लेबरर्स की वजह से द वर्किंग आवर ऑफ 10 लेबर्स, ठीक है, वर्किंग आवर जो है 10 लेबर्स का ऑफ अ फैक्ट्री इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है। वर्किंग आवर जो है 20% से बढ़ जाता है, ड्यू टू दिस मैन पावर इज डिक्रीज बाय 10%। वर्किंग आवर जो है आपका 20% से बढ़ जाता है, मैन पावर जो है वो 10% से गिर जाता है, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्शन ड्यू टू दिस 10 लेबर्स, 10 लोगों की वजह से प्रोडक्शन में कितने का इफेक्ट आ गया ये तो हम लोग क्या जानते हैं, वर्किंग आवर इंटू मैन पावर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा प्रोडक्शन होता है, यानी इफेक्ट किस पे देना है हमको, प्रोडक्शन पे देना है। तो 20% का इंक्रीज माइनस 10% का डिक्रीज, माइनस में क्या हो जाएगा 20 × 10 बटे में क्या 100, ठीक है। इसी को जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 20 में 10 चलेगा, 10 माइनस 2 यानी कि कितना 8% का, 8% पॉजिटिव में आ रहा है, यानी 8% का प्रोडक्शन में क्या होगा इंक्रीज होगा, और यही हमारा आंसर है कि प्रोडक्शन में जो इंक्रीज आया वो कितने का आया 1% का आया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो क्या है, क्या बोल रहा है, इन अ सिगरेट मेकिंग फैक्ट्री द टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ डे वाज 100 पैकेट, ठीक है, प्रोडक्शन जो है टोटल 100 पैकेट था। If the manpower of 40 laborers, manpower जो है 40 laborers का 20% से हम लोग क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, ठीक है, then find by how much percent, कितने percent से working hour को decrease करेंगे, working hour is decrease, ठीक है। If they have to make 100 packet only, ठीक है, working hour को कितने percent से increase करेंगे, decrease करेंगे, कि उन लोगों को क्या है 1000 packet ही बनाना है only, assume a total of 15 work was done initially। देखो सवाल में क्या है, बोल रहा है मैन पावर जो है 20% से बढ़ा देता है, ठीक है, हाउ मच परसेंट वर्किंग आवर डिक्रीज, वर्किंग आवर को कितने परसेंट से डिक्रीज करेगा, बोल दिए एक्स परसेंट से डिक्रीज करोगे। इफ दे हैव टू मेक 1000 packet ओनली, उन लोगों को 1000 packet, मतलब पहले भी 1000 packet बना रहे हैं, अब भी 1000 packet बना रहे हैं, कितना भी घंटा भैया काम करो डायरेक्ट, तो हमको पता चल गया कि प्रोडक्शन जो है वो हमको क्या रखना है सेम रखना है, प्रोडक्शन को क्या रखना है सेम, सेम के लिए हमारा इफेक्ट क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है जीरो, ठीक है। इफेक्ट जब जीरो हो गया तो सवाल को डायरेक्ट सॉल्व कर दो, 20 माइनस एक्स माइनस में 20x बटे में क्या 100 बराबर में क्या जीरो, ठीक है। यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे 20 से 5 बार में ये हमें देगा माइनस में 6x बटे में कितना 5, ठीक है, बराबर में जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हमें यहाँ पे क्या ले जाएगा माइनस में 20, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, एक्स का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 100/6, और 100/6 का मतलब होता है 16/3%, 100/6 यानी 1/6, 1/6 का मान क्या होता है 16/3%, और यही हमारा आंसर है 16/3%, यानी कि जो हमें बोला था कि उसके वर्किंग आवर में कितने की डिक्रीज होगी वो होगी 16/3% की। तो चीज़ों को यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ ना मैंने 15 आवर का यूज़ किया ना 1000 packet का यूज़ किया, तो बहुत आसान से हम लोगों को ये सब सवाल क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल हम लोग चलते हैं, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हम लोग को बोल रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाई 2%, बहुत ही अच्छा सवाल है ध्यान से समझना, प्राइस जो है वो 2% से गिर जाता है, ठीक है, 2% से गिरा दिया। How much kg of sugar can now be bought for the money?
अभी हम लोग कितना के जी सुगर बाउट कर सकते हैं, हाउ मच के जी ऑफ सुगर कैन नाउ बी बाउट फॉर द मनी विच वॉज सफिशियंट टू बाउट 49 के जी ऑफ सुगर अर्लियर, जो पैसा सफिशियंट था 49 के जी खरीदने में, यानी कि एक्सपेंडिचर जो हमारा था जितना पहले पैसा था उसी पैसे पे हमको तुलना करने के लिए बोल रहा है, यानी कि एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो क्या है, हमारा सेम है, ठीक है। अब आपको मालूम है एक्सपेंडिचर जब सेम होता है तो प्राइस अगर गिरता है तो कंजम्पशन क्या होता है, इंक्रीज करता है, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो माइनस में 2 प्लस में x और फिर यहाँ पे कर दो माइनस में 2x, ठीक है, बटे में क्या 100 बराबर में क्या 0, ठीक है। ये जब उधर जाओगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 98x बटे में क्या 100 बराबर में क्या 2, दो से जब काटेंगे तो ये हमें देगा कितना 49। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 100 बटे में क्या 49। ये x क्या आया, परसेंटेज में। जब इसका हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा 100 बटे में 49 इंटू में क्या 100, ठीक है। 100 खत्म हो गया, यानी क्या हो गया 1/49, ठीक है। अब बोल रहा क्या है, वाज सफिशियंट टू बाय 49 केजी ऑफ सुगर, यानी कि इनिशियली हम लोग कितना केजी सुगर खरीदते हैं, 49 केजी ही सुगर खरीदते थे पहले, ठीक है। यानी 49 का मान तो यहाँ पे साफ साफ हमें दे दिया कितना 49 केजी है, ठीक है। ये 49 यूनिट का वैल्यू हमने दे दिया 49 केजी है, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 केजी। अब 1 केजी हम लोग क्या है, कंजम्पशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमें केजी नाउ अब हम लोग बाउट कर सकते हैं, यानी 49 था प्लस में 1 कर देंगे, यानी कि अभी हम लोग जो है 50 केजी खरीद सकते हैं, यानी कि 1 केजी अधिक खरीद सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हमारा आंसर जो है 1 केजी मोर इस तरीके से आएगा, ठीक है। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा, ये हम लोगों का परसेंटेज का पहला पार्ट था, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ये शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करके भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसी तरीके के सवाल के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट को भी लेके आएंगे आप लोगों के रिव्यू के बाद। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है।